बात यूपी विधानसभा की करेंगे, जिसके शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने कानून व्यवस्था और आजम खान के बयान पर इस्तीफे की मांग की, जिसके बाद सदन में हंगामा बढ़ने लगा और विधानसभा की कार्रवाई को 12:20 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि विधानसभा में आज 1600 करोड़ का अंतरिम बजट और 1,40,00,000 करोड़ का 5 महीने का लेखानुदान पेश किया जाएगा। लेखानुदान का आकार सातवें वेतन और उसके एरियर्स के कारण बढ़ गया है। विधानसभा के पहले दिन प्रश्नकाल भी होगा, जिसके बाद बजट पेश किया जाएगा, लेकिन हंगामे के चलते 12:20 तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है और विधानसभा में नोट बदली और कानून व्यवस्था पर भी हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। और अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमितेश, कानून व्यवस्था और आजम खान के बयान को लेकर तो हंगामा यहां पर हुआ, जिसके चलते कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इसके अलावा भी कहा यह जा रहा है कि नोटबंदी का असर यूपी की विधानसभा पर भी नजर आएगा। देखिए, 12:20 तक जो विधानसभा कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, लगातार विपक्ष का जो जोरदार हंगामा है वो विधानसभा के भीतर देखने को मिल रहा है। शुरुआत कानून व्यवस्था के मुद्दे से हुई थी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीएसपी और बीजेपी ने जमकर हंगामा किया और यहाँ तक की जो बीजेपी के जो सदस्य थे वो बेल तक पहुंच गए। उसके बाद से पूरी तरह से जोरदार जो हंगामा है वो देखने को मिला। आजम खान के मुद्दे को लेकर, आजम खान का जिस तरह का बयान आया था उस मुद्दे पर भी बीजेपी के जो सदस्य थे उन्होंने जमकर हंगामा काटा। बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है सदन के भीतर और ये कह रही है कि जिस तरह से प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था का हाल बिगड़ता जा रहा है, उस पर बीएसपी के जो तमाम विधानसभा के सदस्य हैं वो हंगामा काट रहे हैं। और वहीं नोट बदली को लेकर भी खासतौर पर बीएसपी ने बीजेपी पर हल्ला बोला है। तो पूरी तरह से कह सकती है कि विधानसभा की कार्रवाई, हालांकि आज पहला दिन था और हंगामा जो है वो बरप रहा है। और सबसे बड़ी बात आगे कार्रवाई सुचारू रूप से चलने के आसार नजर आ रहे हैं अमितेश, क्योंकि आज अंतरिम बजट भी पेश होना है और साथ ही साथ लेखानुदान पेश किए जाने की भी बात सामने आ रही है, तो जिस तरीके से हंगामा हो रहा है तो कार्रवाई संभव नजर आ रही है। देखिए, लगातार विधानसभा की कार्रवाई के बीच में जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है, ऐसे में आप ये कह सकती हैं कि भले ही सरकार जो बजट है वो पेश करना चाह रही है, लेकिन पूरी तरह से विपक्ष ये मन बना चुका है कि जो हंगामा है वो करना है, क्योंकि चुनाव के मैदान में सभी दलों को जाना है और जनता के बीच में जाकर ये बताना होगा कि उन्होंने जनता के हित के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा किया। जाहिर सी बात है कि बीएसपी ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी सरकार ने जो पिछला बजट था उसका जो पैसा है वो खर्च नहीं कर पाया। चलिए अमितेश, नजर बनाए रखें क्योंकि कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी विधानसभा की कार्रवाई। बताइएगा हमें कि क्या कुछ वहां पर उस कार्रवाई में हो रहा है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।